गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एसपी थ्रीडी शंकरण के बारे में। और एसपी थ्रीडी थ्री शंकरण क्या होता है, ये हमारा अगला प्रकार है, उसी के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देख लिए थे। इसमें छह नए शंकर कक्षकों का निर्माण हुआ था, इस वजह से जो ज्यामिति बनी थी वह अष्टपद की बनी थी। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो चुका है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एसपी थ्री डी थ्री शंकर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एस तीन पी और तीन डी परस्पर मिश्रित होकर समान आकृति और ऊर्जा के सात नए शंकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। यह शंकरित कक्षक sp3d3 शंकरित कक्षक कहलाते हैं। ये सातों शंकरित कक्षक पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति में अभिविन्यासित होते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार के यहाँ पर शंकरित कक्षक बनेंगे। एक होगा भूमध्य, जो कि बनाएंगे पंचभुजीय आकृति, जबकि जो अक्षीय शंकरित कक्षक है वह इस पंचभुज के तल के ऊपर नीचे अभिविन्यासित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। और इसके एग्जांपल भी हम नेक्स्ट इसके बाद करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे बताया कि एक एस है, तीन पी है, पी एच पी वाई और पी जेड। ठीक है, डी यहाँ पर तीन है, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी अलग होगी। पहले वाले केस में जब हमने sp3d पढ़ा था तब dz स्क्वायर ने भाग लिया था, इसी तरह से sp3d2 में dz स्क्वायर के साथ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भाग ले रहा था। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में dxy डी वाई जेड और डी एक्स जेड भाग लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सात कक्षक परस्पर मिश्रित होंगे और सात ही नए शंकरित कक्षकों का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो पंचभुज की जो आकृति है, जैसे मैंने बताया कि ये सबसे पहले दो प्रकार के शंकरित कक्षकों में विभाजित हो जाएंगे। एक तो होगा पंचभुजीय आकृति बनाने वाला शंकरित कक्षक, जिसे हम कहते हैं भूमध्य शंकरित कक्षक। ठीक है, इसके अलावा होगा अक्षीय शंकरित कक्षक, जो कि इस भूमध्य तल के ऊपर नीचे स्थित होगा। तो देखिए अगर आकृति की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की यहाँ पर कुछ आकृति बनेगी केंद्र में। जैसे कि हमने मान लिया कि ये जो स्ट्रक्चर है वो IF7 का है। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं कि ये IF7 का स्ट्रक्चर मान लेते हैं और यहाँ पर पंचभुज की आकृति हो गई और ये पांच फ्लोरीन जो जुड़े हुए हैं, पांच जो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं वह एक पंचभुज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब इस तल के ऊपर नीचे इस तरह से F स्थित है और इसको अगर इस तरह से जोड़ दिया जाए तो यह आकृति प्राप्त हो गई पंचभुजीय द्विपिरामिड। अब हम जानते हैं जो पंचभुजीय आकृति है, ठीक है, इस प्रकार की जो आकृति है इसके मध्य जो कोण आएगा वह आएगा 72 डिग्री का, जबकि अक्षीय और भूमध्य के बीच में आएगा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार के एग्जाम्पल होंगे। पहला एग्जाम्पल है IF7 का, IF7, और दूसरा एग्जाम्पल है XEF6। ठीक है, तो ये वाले जो एग्जाम्पल है दोनों को भी हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं।
क्वेश्चन लिखिए, इस शंकरण में एक एस कक्षक, तीन पी कक्षक, ब्रैकेट में लिखे पी एक्स पी वाई पी जेड परस्पर मिश्रित होकर निर्माण करते हैं। सात नए शंकित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये सात शंकित कक्षक ज्यामिति में अभिविन्यासित होते हैं। ठीक है, तो ज्यामिति की हमने बात कर ली है। अगला यहाँ पे देखिए, सात में से पांच शंकरित कक्षक पंचभुज के कोणों पर एक ही तल में अभिविन्यासित या एक ही तल में स्थित होते हैं। भूमध्य शंकरित
90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से परिभाषा भी हो गई। इसमें हमने ज्यामिति और बंद कोण के बारे में भी बात कर ली है। और षट्भुज कक्षक कितने बने हैं, किस बंद कोण में वह अभिविन्यासित है, सबके बारे में यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा नोट करें, फिर हम आगे इससे जुड़े हुए एग्जांपल्स लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। इस चक्रण में एक एस कक्षक, तीन पी कक्षक, अच्छा एक यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, डी कक्षक के बारे में मैंने नहीं बताया है, और तीन डी कक्षक कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ठीक है, ये थोड़ा सा रह गया है, इसको और ऐड करते हैं। डी कक्षक के बारे में हमने बताया है कि सात कक्षक कैसे होंगे। ठीक है, इसको नोट करो, तीन डी कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा व आकृति के सात नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हुए सात जो मिश्रित हुए थे, एक तो S है, तीन P है, PX, PY, PZ और तीन ही D हो गए यहाँ पर। तो D वाला जो केस है उसमें DXY, DYZ और DXZ यहाँ पर मौजूद है, जो कि परस्पर मिश्रित होकर सात नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। और जो नए सात कक्षक बने हैं जिन्हें हम कहते हैं संकरित कक्षक, उनकी ऊर्जा व आकृति समान होती है। नए कक्षकों का निर्माण हुआ है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति में अभिविन्यासित है और 72 डिग्री का कोण बन रहा है भूमध्य के मध्य, जो कि पंचभुज की आकृति में है, जबकि शेष जो है वह अक्षीय कहलाते हैं जो 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। ठीक है, तीन चार चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो उदाहरण जो मेन है वो है IF7 और दूसरा है FPF6।
करेंगे। सबसे पहले जो उदाहरण है उसमें देखिए आई एफ सेवन, पहला सवाल करेंगे हम। देखिए आई एम सेवन केंद्र परमाणु कौन सा है, आयोडीन, और बंदी परमाणु है फ्लोरीन एफ, जिनकी संख्या है सात। सबसे पहले अगर आई की बात की जाए तो आई का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 53। भायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 5p5, यानी जो डी कक्षक है आगे वाला जो डी कक्षक अभी बचा है वह अभी रिक्त है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद नहीं है। बंदी परमाणु की संख्या सात है तो यानी यहाँ पर सात ए युग्मित इलेक्ट्रॉन का होना आवश्यक है जो कि इन सात क्लोरीन के साथ बंध का निर्माण कर सके। ये बंध होता है सिग्मा बंध, ठीक है। तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो आवश्यक है कि तीनों जो इलेक्ट्रॉन है वह उत्तेजित अवस्था में जाकर अगले डी कक्षक में चले जाए। अब यहाँ पर डी कक्षक में ये चले गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी इलेक्ट्रॉन में जाने के बाद क्या होगा कि अगले जो स्टेप है उसमें हम देख सकते हैं आई एफ सेवन की शंकरण अवस्था। आपको भी आसानी से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नोट करें इसे, इस प्रकार से निकला है sp3d शर्करण। बस हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि परमाणु क्रमांक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अगर परमाणु क्रमांक की नहीं पता तब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की नहीं ज्ञात कर पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पता तो आप उसका शर्करण कैसे बताएंगे, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक तो याद होना चाहिए, नोट करें इसे सबसे पहले। आगे लिखें
सेवन का शतरंज लिख दें, आई एफ सेवन का शतरंज एस पी थ्री डी थ्री होता है ज्यामिति पंचभुजीय उपस्थित नहीं है, तो लोन पेयर की उपस्थिति नहीं है, इस वजह से ज्यामिति में किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आएगी। ज्यामिति वैसी ही बनेगी जैसे कि sp3d3 के लिए होनी चाहिए, यानी पंचभुजीय द्विपरिमाणीय। देखिए केंद्र में दिखा दिया हमने आई, इसके बाद हम पंचभुज की आकृति में भूमध्य शंकित कक्षकों को बनाएंगे इस प्रकार से। समान दूरी पे सारे स्थित हैं, बंदी परमाणु है यानी सारे के सारे जो क्लोरीन है आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब मैं इनको एक दूसरे के साथ जोड़ दूंगी तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे बन जाएगा तो जुड़ जाएगा, इस प्रकार से ये जुड़ रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह से मैंने ज्यादा गहरी लाइन नहीं कीजिए क्योंकि पहले वाला जो स्ट्रक्चर है वो मेरा दिखना बंद हो जाएगा सर्कल में। ठीक है, स्टेप से यहाँ पर इसे मिला दिया गया है और ये जो एंगल है वो 72 डिग्री का है और ये वाला जो एंगल है जो कि अक्षीय और भूमध्य के मध्य बन रहा है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसको भी आप मेंशन करें, सावधानी से इस स्ट्रक्चर को बनाएं। सबसे पहले आपको पंचभुज की आकृति बनानी है, पंचभुज के कोणों पर आपको F दर्शाने हैं, 5 F है। इसके अलावा केंद्र में हमने आयोडीन को दर्शाया, इस केंद्र से ठीक ऊपर और नीचे दो फ्लोरीन और दर्शाए गए हैं। अगला एग्जांपल है xEF6 का एग्जांपल है आपका। देखिए जिनोन जो कि है
परमाणु क्रमांक है 54, 5s2, 5p6। अभी जो डी कक्षक है वह रिक्त है, उसमें अभी कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 6 फ्लोरीन जुड़ने हैं, यानी 6 बंधी परमाणु यहाँ पर उपस्थित है, जिसके लिए आवश्यक है कि यहाँ पर 6 ही ए युग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद है। निम्नतम अवस्था में अभी ए युग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, तो क्या होगा कि कुछ ऊर्जा ग्रहण करके उत्तेजित अवस्था में यहाँ पर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वह अगले डी कक्षक में चले जाएंगे, जिससे हमें 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 6 युग्मित इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, जबकि एक युग्मित इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में अभी मौजूद है। शंकरण अवस्था, एक लोन पेयर है और 6 सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, या फिर कह सकते हो 6 बॉन्ड पेयर है, एक एस, 3p और 3d। sp3d3 शंकरण, ठीक है, इसी तरह से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहां पर जो शंकरण है sp3d3 शंकरण है ज़ीनॉन s6 का, पर जो ज्यामिति है उसमें विकृति आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर उपस्थित है, तो लोन पेयर की उपस्थिति में ज्यामिति में विकृति आती है। और बंद कोण जो है उसे अभी ज्ञात करना पाना संभव नहीं है, क्योंकि कितनी विकृति आएगी एग्जैक्ट एंगल हम नहीं बता सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज सही है कि जो लोन पेयर है उसके ठीक पास मौजूद बॉन्ड पेयर को अधिक प्रतिकर्षण महसूस होगा, जिससे वो जो बंद कोण है वह बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, नोट करें, इसके बाद इसका एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे जो कि अनुमानित स्ट्रक्चर है।
मेजरमेंट हमको नहीं पता, बस ये लगभग छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं कि इन बॉन्ड्स को आप इस तरह से जोड़ते हुए दिखा सकते हैं। इसी तरह से ये वाले जो बॉन्ड्स है वो जुड़ जाएंगे ऊपर की तरफ इस तरह से, और ये लोन पेयर भी इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। लोन पेयर जो है उसे मैंने एक भूमध्य यहाँ पर दर्शाया है, क्योंकि हमने ये जो संरचना है ज्यामिति है उसे अनुमानित संरचना बताया है। आगे चल के जब हम वैक्स में पढ़ेंगे तब हम समझ में आएगा कि जो लोन पेयर है उसे भूमध्य ही दर्शाया जाता है, क्योंकि भूमध्य स्थिति में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। तो उस चीज के बारे में मैं आपको वेस्पर जब पढ़ाऊंगी तब अच्छे से बता दूंगी, अभी आप इसको भूमध्य स्थिति में बना दें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा SP3D3 संकरण जिससे जुड़े हुए दो एग्जांपल, एक तो था IF7 और दूसरा है XCF6। हमने कर लिया है और हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से इसकी ज्यामिति जो होती है वो पंचभुजीय द्विज्यामितीय होती है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।